आज हम स्टार्ट करते हैं सेल इंजरी चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में इंजरी से, जिसमें सिर्फ नेम्स करने हैं बेसिकली और बीच में से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। अब हाइपोक्सिया किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इस्कीमिया जो है वो काफ़ी उसके कॉजेज, या तो आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, या फिर एनीमिया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से, तीन इसके कॉजेज हो गए। उसके बाद ये एमसीक्यू है कि हाइपोक्सिया और इस्कीमिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेलुलर इंजरी है। और इस्कीमिया में क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिन्स में आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, सिगरेट, एथेनॉल, ड्रग्स, वेरियस ड्रग्स जो हैं ये सेलुलर इंजरी कॉज करवाते हैं। उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट्स है जिसमें प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरसेस और फंगस है जो कि सेल को डैमेज करवाते हैं। उसके बाद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में कौन कौन से आ जाते हैं? डाउन सिंड्रोम, स्केलेटल सिकल सेल एनीमिया और इंजाइम की डेफिशिएंसी। किसी भी इंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है सेल इंजर्ड हो सकता है। न्यूट्रिशनल इंबैलेंस में वाइटामिन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की और लेस कैलोरी इंटेक, ठीक है। उसके बाद ट्रॉमा जो है फिजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है, केमिकल एजेंट की वजह से, या फिर एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड की वजह से। और इम्यून रिएक्शंस में ऑटोइम्यून डिजीज़ और एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं। इसमें आप कर सकते हैं निमोनिक कोई भी हिट जेंट, H फॉर हाइपोक्सिया, I फॉर इस्कीमिया, T फॉर टॉक्सिन, G फॉर जेनेटिक वंस एंड I फॉर इम्यून रिएक्शंस, N फॉर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेज एंड T फॉर टॉक्सिन्स, ठीक है। तो ये हमने कॉजेज़ कर लिए हैं सेल इंजरी के, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया। हाइपोक्सिया का एक कॉज था, इस्कीमिया के भी तीन थे, आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन, एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, टॉक्सिन्स के नाम किए, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, इम्यून रिएक्शंस हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ किया है, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस किया है। इसके अलावा एक आप ऐड करेंगे एजिंग भी, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।